लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अलमपुरम वाले उतरो, चलो चलो चलो। भगवान, आपके भरोसे मैं इस गांव में आया हूँ। अब आपको ही मेरी रक्षा करनी होगी। भगवान, गांव में आए हो क्या? भगवान, ये आपकी आवाज औरत की तरह। यहाँ पे, यहाँ पे। क्यों ऐसे ऊपर नीचे देख रहे हो? गांव में आए हो क्या? जी हाँ। किसके घर जाना है? बालकृष्ण मूर्ति जी के घर पे। ओह, मेरी उनके घर क्या? मेरे उनके? वो सब छोड़ो, वैसे आपका नाम क्या है? वीरा शिवाजी। अच्छा, वीरा शिवाजी। पीछे आओ। अरे तेरी तो ये भी समझ में नहीं आया, मेरी साइकिल के पीछे आओ। अंधेरा होने से पहले यहाँ से चले जाया करो। तुम्हारी बीवी दर्द में और तुम यहाँ हो। गांव में किसी को पता चला तो पता है क्या होगा, तुम्हारे मुंह पे थूकेंगे। कौन थूकेगा? किसमें इतना दम है? बड़े बुजुर्गों ने ऐसे ही कहा है क्या कि रात के अंधेरे में किया गया काम आज तक किसी को पता नहीं चलता? बच्चों को पालना उसकी ड्यूटी है और वो अपनी ड्यूटी करेगी ना, वो देख लेगी अपने आप। हैं, इस वक्त कौन आ गया? कौन कमीना था जो ऐसे दरवाजा खटखटा के भाग गया? मैं था भाई। अरे मालिक, ये क्या कह रहे हो आप? कमीना बोल रहे थे ना भाई। गलती हो गई मालिक, गलती हो गई, माफ कर दो मालिक। वहाँ तुम्हारी बीवी दर्द से तड़प रही और तुम यहाँ पर अय्याशी कर रहे हो। क्यों भाई, कैसे हो? बढ़िया हूँ मालिक। क्यों सूर्या चाचा, खेतों में से कीड़े निकलवा दिए ना? अभी नहीं मालिक, आदमी नहीं मिल रहे हैं। तो आदमी नहीं मिल रहे इसलिए उन्हें छोड़ देना ठीक नहीं होगा, हमें खुद निकाल देना चाहिए। कीड़ों को अगर बढ़ने देंगे तो पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। क्यों भाई, बड़ी बेटी का रिश्ता तय हो गया क्या? अभी तो ढूंढ ही रहा हूँ मालिक। अरे और कितने दिन ढूंढोगे? जिस उम्र में जो काम होना चाहिए वो उसी उम्र में हो जाना चाहिए, नहीं तो अच्छा नहीं होता है। जल्दी से कोई लड़का देखकर शादी करवा दो। हाँ जी। मुझे मत मारो मालिक, मुझे अक्कल आ गई है। इतनी जल्दी अक्कल कैसे आ गई? और दो? नहीं नहीं मालिक नहीं।
पति का मतलब सिर्फ बीवी से बच्चे पैदा करना नहीं है, बल्कि उसका पालन पोषण करना भी। ठीक है मालिक। जा, अंदर तेरी बीवी है, जाके उसकी देखभाल कर। कौन है ये जो हीरो की तरह लग रहे हैं? यही तो है हमारे वो। ये कृष्णमूर्ति जी हैं? हाँ, बात करोगे? बाप रे, अभी रहने दो, मैं घर जाके बात कर लूंगा। ए, अगर दोबारा ऐसी हरकत की और मुझे पता चला तो गर्दन काट दूंगा। ए, चलो चलो। ए, आओ। हाँ। राम राम बाबू, राम राम साहब, राम। कौन है ये? राम राम। उन्हें इतनी इज्जत क्यों मिल रही है? वो कृष्णा जी है। नमस्ते मालिक। को इतने साल हो गए, तुम्हें अभी तक ठीक से काम करना नहीं आता। बेटी कॉलेज गई है क्या? हाँ। बेटी कॉलेज गई है क्या? गई है जी। कोई है? काम जरा ध्यान से करो वरना गर्दन कट जाएगी। कौन है तू? मेरा नाम शिवाजी है। हाँ तो? जी मैं आपके मामा जी का बेटा हूँ। कौन? वेंकटराव का बेटा है? जी हाँ। क्यों बे? मेरी माँ ने दूसरी जात वाली से शादी कर ली थी, इसलिए तुम्हारे माता पिता ने उसे भगा दिया था ना। उनकी नजर में तो हम सब मर गए थे ना। अब किस मुंह से तुझे मेरे पास भेजा है? हाँ? आप चाहे कुछ भी कह लो वो नहीं सुन पाएंगे, वो दोनों मर चुके हैं। सीता। हाँ? लोटे में पानी ले। ठीक है भैया। पैर धोकर अंदर आ जा। बहन, भैया कहाँ है? वो कौन है? साहब, आप यहीं पर हैं क्या? जुबान फिसल गई, बलराम की जगह भैया बोल दिया मैंने। कितनी भी नजदीकी हो, आपको भैया कहने का हक और हिम्मत मुझ में कहाँ होगा, बताइए ना। किस काम से आए हो ये बताओ। कुछ नहीं जी, हमारे सुब्बाराव और उसके आदमी आपसे मिलना चाहते हैं। सुब्बाराव जरा इधर आना। नमस्ते साहब। बैठो। कोई बात नहीं साहब। मैंने कहा बैठो। कह रहे बैठने के लिए, जाओ बैठो, जाओ जाओ। सुब्बाराव जी ने सिनेमा हॉल बनवाया है। 4 लाख तक खर्चा हो गया जी। मैंने हिसाब पूछा क्या? तुम चुप रहो, आपके हाथों उसका दरवाजा खुलवाना चाहते हैं ये। इतना खर्चा करके हॉल बनवाया और मेरे ही हाथों खोलने वाले दरवाजे क्यों बनवाए भाई? बलराम जी बहुत मजाक किया है। इसको लग रहा है बहुत बड़ा जोक मार दिया, सुई में धागा। इतना ही नहीं, उस हॉल का नाम आपके पिता रंगाराव जी के नाम पर रखा है। अच्छा, मुहूर्त कब है? परसों सुबह 9 बजे का है जी। ठीक है, तैयारी करो। बहुत शुक्रिया साहब। सुब्बाराव बड़े खुश नसीब हो तुम। हॉल का नाम हमारे पिताजी के नाम पर रखना काफी नहीं है, उसमें लगने वाले सिनेमा भी उनकी इज्जत के हिसाब से होने चाहिए। हाँ ठीक है साहब। जाइए। हाँ चलो चलो चलते हैं। हाँ चलो चलते। नमस्ते। सुनो चिंतामणि, तुम्हारा बेटा सुधर गया या अब भी वही आवारागर्दी करता रहता है? अरे नहीं नहीं, आपकी दया से वो सुधर गया है, काम पर भी जाने लगा है। हाँ, कौन सा काम? हाँ वही, आप जिस हॉल का उद्घाटन करने जा रहे हैं मैनेजर है वहाँ। ऐसी बात है, तुम अपने फायदे के बिना कभी कोई काम नहीं करते हो ना। जैसे कि बहुत बड़ा फायदा करने वाले हो। सब आपकी दया है जी, सुई में धागा। पिताजी को गुजरे 2 साल हो गए हैं, उसके बाद माता पिता ने जो मुझे मेहनत से पढ़ाया आखिर में वो कुछ काम नहीं आया। उनके मरने से पहले आपके परिवार के बारे में नाना जी ने जो किया वो सब बताया, बहुत दुख हुआ मुझे। इतनी मेहनत करने के बाद भी मुझे नौकरी नहीं मिली, दूसरा कोई रास्ता नहीं दिखा तो आपको ढूंढते हुए यहां आ गया। ठीक है,
तू यहीं पर रहकर हमारे खेतों की देखभाल करना। शहर अलग होता है, गांव अलग होता है, यहाँ पर वैसा नहीं चलेगा, यहाँ के मुताबिक रहना होगा। यहाँ तू जब तक है मेरे अनुसार चलना होगा। क्या क्यों ये सब सवाल मत पूछना, समझ में आया कि नहीं? जी समझ गया। और एक खास बात, बगल के घर में तेरी परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन क्यों? गर्दन कट जाएगी। अभी मैंने कहा था ना कि सवाल मत पूछना। मैं जानता नहीं इसलिए पूछ रहा हूँ, बगल वाले घर से मेरी परछाई का क्या संबंध है? भैया ने कहा ना गर्दन कट जाएगी, समझ में नहीं आया क्या? चलो खाना खाओ। पता नहीं कहाँ आके फंस गया मैं। अच्छा नमक मिर्ची लाए ना। ओ ये क्या, यहाँ क्यों छुपाया? मैडम कहीं देख ना लेना इसलिए। ठीक है हाथ धो लो वरना जलेगा। जलेगा तो भी चलेगा। मोह धक धक करने लगा, मोरा जियारा डरने लगा। धक धक करने लगा। भागो भागो भागो, लगता है किसी को लगी। चलो चलो चलो। अरे बाप रे, चोट लग गई क्या? अरे रे नहीं नहीं, बस थोड़ा सा खून निकला है। जरूरत नहीं है, मेरे पास रुमाल है। पहले नहीं बता सकते थे क्या? नया दुपट्टा फाड़ दिया मैंने। आप हिंदी सिनेमा ज्यादा देखते हैं, ये मुझे पता था क्या? वैसे आप जो गाना गा रहे थे वो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, अब कसम से इस जन्म में तुम्हारे पसंद का गाना नहीं गाऊंगा। एक पल का जीना फिर तो है जाना। क्या हुआ, तेरा दूध निकालू क्या? चल ठीक है। किससे शुरू करूं? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80-90 पूरे 100, 100 से निकला था। क्या है सब? जी वो इसने लात मारी। उसके साथ खेलेगा तो लात ही मारेगी। तुझे दूध निकालने के लिए किसने कहा था? सीता। बाहर जा। चोट पे चोट लग गई। पता नहीं सुबह सुबह मैंने किसकी शक्ल देख ली थी, चोट पे चोट लग रही है। शाम तक तो अरे बाप रे। ए शिवाजी ये सब क्या है? एक तो पहले आम के खेत में मेरा सर फोड़ दिया, अब डंडा लेके पीछे आ रही है। कौन? वही। ए पूजा क्या है ये सब? कुछ भी तो नहीं, आपने डंडा मंगवाया था ना, लेकर आई हूँ। वैसे दीदी वो लड़का कौन है? मामा जी के दोस्त का बेटा शिवाजी। वैसे तू उसके बारे में क्यों पूछ रही है? नहीं कुछ नहीं, वो लड़का ना बहुत अच्छा है। ए क्या बोल रही है, तेरे पापा घर पे नहीं है क्या? चल जा घर पे। क्यों बे, अब तक शो क्यों नहीं लगाया? रील नहीं आई क्या? रील तो आ गई है साहब, पब्लिक नहीं आई है। पब्लिक नहीं आई है क्या? क्या तकलीफ है इनको? पुरानी फिल्में पब्लिक नहीं देखती, पब्लिक को मसाला चाहिए। करेक्ट है, कल से दूसरी फिल्म लगा दो। बापरे ऐसा करेंगे तो बलराम जी हमें गोली से उड़ा देंगे। वो कौन होता है बीच में बोलने वाला? इस हॉल का मैनेजर मैं हूँ। हॉल उनके बाबूजी के नाम पे है, ऊपर से ओपनिंग भी उन्हीं के हाथ से हुई है। असल में मेरे पिता को सबक सिखाना चाहिए, उससे ओपनिंग करवाने को किसने कहा था? शो नहीं है क्या? क्यों नहीं है, है ना? तो फिर लोग क्यों नहीं है? मैं तो हूँ ना। ये क्या बात कर रहे हो? अरे रंगा। दरवाजा खोलो। अब शुरू कर दे पिक्चर, चल। छोड़ दो मुझे, जाने दो, छोड़ दो। हाउसफुल आ गया। अबे तेरी तो गेट बंद कर दिया। छोड़ दो मुझे, जाने जाएगी? दो। अभी तो पिक्चर देखनी बाकी है ना। छोड़ो मुझे, ऐसा मत करो, जाने दो। नहीं तेरी तो। बस
जरा एक बार फेस टर्न कर तो। ए आखिरी बार तेरी शक्ल देखनी थी, बलराम जी के आने के बाद वैसे भी तेरा काम तमाम हो जाएगा। अरे बाप रे, पहले से ही डर लग रहा है और ये डराने में तुली हुई है। बैल की तरह क्यों चिल्ला रहा है गधे? हाथ हटा। साहब आएंगे तब इसे पता चलेगा। सही पूछ रहा हूँ, गंगा है क्या तू? ऐसे बुत की तरह क्या खड़ा हुआ है? बालकृष्ण मूर्ति का भतीजा ऐसा बोल। ठीक है मुद्दे पर आते हैं, असलियत क्या है ये बताओ। ये कमीना सिनेमा हॉल में एक औरत का बलात्कार कर रहा था तो मैंने पकड़ लिया। अरे अरे अरे, सब झूठ है मालिक। हाल में पसीना पहुंचने के लिए अंधेरे में टॉवल समझ के खींच लिया था, देखा तो किसी की साड़ी थी। क्यों सही कहा? हाँ सही कहा, बिल्कुल सही कहा। क्यों चिंतामणि, मेरे पिताजी के नाम पर बने हुए हॉल में तेरा बेटा ये सब कर रहा है? गधा कहेगा। वैसे वो औरत है कौन? थू, तुझ में और जानवर में क्या फर्क रह गया अंथार्वेदी? एक तो तूने गलती की है, ऊपर से इस औरत के साथ छी। जात और धर्म से कोई बड़ा नहीं होता। इसकी सजा है, इसे 10 बार कोड़े से मारो। बाप रे, 10 बार? अरे चुप। बलराम जी, बच्चा है, 10 चाबुक में। 50 बार। अच्छा है, मुझे मारने को नहीं कहा। ये कौन है भाई? सद्दाम हुसैन से भी क्रूर लग रहे हैं। इज्जत से बात करना सीख। उनके बारे में बोलो तो इन्हें क्यों गुस्सा आ गया? एक ही घर में पले बड़े हैं ना, इसलिए। एक ही घर में पले बड़े हैं? हाँ, उनके पिता एक हैं, लेकिन माँ अलग है। सालों से इस गांव में ये पैसे वाले जमींदार हैं। बलराम जी हमारे वो सीता रंगाराव जी के बेटे हैं। रंगाराव की पहली पत्नी सीता माँ, उनसे ही बलराम जी हुए। बलराम जी जब 5 साल के थे तब सीता माँ जी बीमार रहने लगी थी और पलंग पकड़ लिया था। तब उनकी देखभाल करने के लिए एक नर्स को घर में रखा गया, वो थी तुलसम्मा। वो हमारे जात की थी। वहाँ आने के कुछ दिन बाद में बलराम जी तुलसम्मा जी के बहुत नज़दीक आ गए। सीता अम्मा जी ये समझ गई थी कि वो किसी भी तरह मरने वाली है और खुश थी कि उनके बाद उनके बेटे को देखने के लिए कोई है। फिर उनके मरने के बाद उनके बेटे के लिए तुलसम्मा जी से शादी करने के लिए रंगा राव को उन्होंने मनाया। बाद में वो गुजर गई। रंगा राव ने तुलसम्मा जी से शादी कर ली। उनसे कृष्णामूर्ति और सीता का जन्म हुआ। तीनों बच्चे एक ही पेट से पैदा हुए हैं, इसीलिए वो मिलजुल कर रहते हैं। बलराम जी उनके भाई और बहन को जान से ज्यादा प्यार करते हैं। उसके बाद क्या हुआ पता नहीं, लेकिन बलराम जी अपने भाई और बहन को नफरत से देखने लगे, दुश्मन समझने लगे। बड़ा बेटा उनके भाई बहन को ठीक से नहीं देखता था। भविष्य में किसी के साथ भी अन्याय न हो पाए, इसलिए जायदाद को ठीक ठीक हिस्सों में बांट दिया गया। मतलब बलराम जी और कृष्णमूर्ति को 2 बराबर के हिस्से मिल गए। रंगाराव जी ने उनके जाने के बाद उनकी समाधि यहीं पर बनाई। वो देखो उनके माता पिता की समाधि। बीच में जो है वो है उनके पिताजी रंगाराव जी। बाईं तरफ है बलराम जी की माँ सीताम्मा जी। दाईं तरफ है वो कृष्णमूर्ति जी की माँ तुलसम्मा जी। ये यहाँ पे शांति से सो रहे हैं, वो वहाँ पे मन की शांति के बिना जी रहे हैं। अबे मुंह बंद कर बे, बैल की तरह चिल्लाता है। जहाँ भी औरत देखी उसके ऊपर टूट पड़ने के सिवा तुझे कुछ और आता है क्या? इज्जत उतार दी मेरी, तुझे दिमाग देने के बजाय लगता है भगवान ने कुछ और ही दे दिया। गधा कहेगा। एक तो मुझे इतना मारा है, दर्द हो रहा, ऊपर से तुम डांट रहे हो, कुछ भी दया नहीं आती है तुम्हें। Hey, तू बाहर जा रहे? अरे मेरे बेटे, तूने जो किया वो गलत है, ये मैं नहीं कहता।
पर वो जो किया वो बलराम की बेटिया फिर कृष्णा मूर्ति की बहन के साथ करता तो वहाँ पे जायदाद और लड़की दोनों मिलती ना बेटा। तेरी माँ की जायदाद मुझे कैसे मिली है पता है ना, यही करके। अब मुझे पूरी तरह से समझ में आ गया है, भगवान ने तुम्हें ज्यादा दिमाग दिया है लेकिन मुझे दिमाग नहीं दिया है बिल्कुल। नहीं, तुझे भी दिमाग दिया लेकिन घुटने में दिया, गधा कहीं का, सुई में धागा। ये क्या कृष्णा मूर्ति जी, मंदिर के बाहर खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हैं, मंदिर में आइए। जिस दिन हम लोगों को मंदिर में प्रवेश करने का मौका मिलेगा उस दिन मैं जरूर आऊंगा। वो इस जन्म में कैसे होगा बेटा, मेरे होते मैं ये होने ही नहीं दूंगा, सुई में धागा। कल काम पे जल्दी आना। ठीक है साहब। जाओ। ये क्या भैंस पे भैंस बैठी हुई है, पागलों की तरह क्यों हंस रही है? हंस नहीं रही हूँ, बचपन का तुम्हारा पोज याद आ गया। ठीक बेशरम। क्या कह रहे थे, भैंस के ऊपर भैंस बैठी है, अब क्या कहोगी बोलो तो? अभी तो मुझे उठा नहीं सकती, शादी के बाद कैसे उठाओगी? देखो पागलों की तरह कुछ भी बकोगी तो गर्दन कट जाएगी। हाँ काम शुरू कर दो रे। नागराज जी, आपकी तरह अच्छा इंसान तो है ही नहीं दुनिया में, ऐसे रोड से उतरकर यहाँ इस पेड़ के नीचे आराम से देसी लेकर आराम से ऐसे गांव में जा सकते हैं जी। वो क्या है कि हमारे गांव में देसी दारू मिलती नहीं थी, तड़प रहे थे ऐसे मछली की तरह। अब आपकी फोटो के नीचे देसी दारू की पैकेट लगाकर आपके पाँव पड़कर उसी को प्रसाद के रूप में पिएंगे सब। नागराज के पास सब कुछ मिलेगा ऐसा कहना चाहिए था ना गांव वालों को, उतना ही काफी है। एक पैकेट तो लेके आ, ये पैकेट पियो, आपको भी पता चल जाएगा कैसा है। देखने से ही मस्त लग रहा है जी ये तो, अब पीने में कैसा होगा पता नहीं जी। ज्यादा बत्ती से मत दिखा जा। ये सब क्या था? वो हंसा ना। इसकी हंसी सुनकर तो पी हुई भी उतर जाएगी, पता नहीं रोने पर क्या होगा, सुई में धागा। ऐसे क्या देख रहे हो, पियो। अरे भगवान को चढ़ाए बिना कैसे पी लूं, पहला घूंट आप लीजिए। दारू पीने के लिए मेरे पिताजी की समाधि मिली थी क्या तुझे? कृष्णा मूर्ति जी क्या है ये सर? अरे वो समाधि पर बैठा था, किसी मंदिर पर तो नहीं ना? ये समाधि मेरे लिए मंदिर से बढ़कर है, इसके आसपास अगर कोई गलत काम करेगा तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। असल में समाधि यहाँ है इसलिए तुझे दुख हो रहा है ना। समाधि हटा दो रे। Thank you.
अरे तुम छोड़ो ना। कृष्णामूर्ति जी, ये क्या कर रहे हैं? जो हो गया वो हो गया, अब वो इस जगह पे दोबारा नहीं आएगा, ये जिम्मेदारी मेरी है। जाके जीप में बैठो। अरे बैठो, ऐसे क्यों खड़े हो, जीप में बैठो। आप फिकर मत कीजिए नागराज जी, आपके साथ न्याय जरूर होगा। जो चाहे वो बड़ा बन जाए तो फिर बलराम जी किस काम के हैं? वैसे भी बड़प्पन बल से नहीं, बुद्धि से आती है। क्यों चिंतामणि, प्रवचन दे रहा है? अरे कुछ नहीं जी, ये नागराज जी बहुत बड़े व्यापारी हैं। आहा, बैठिए। हमारे इस गांव में व्यापार करने के लिए आए हैं। ये रोड के पास समाधि के बगल में होगा तो अच्छा होगा, इसलिए मैं उनको ये जगह दिखा रहा था। उतने में आकर उन्होंने बहुत बड़ा झगड़ा कर दिया। किसने? और कौन, कृष्णामूर्ति जी ने। अच्छा, बीच में आने के लिए वो कौन होता वही है? वही तो, बड़े आदमी आप है, मैंने कहा तो। अरे कौन है बड़ा, मेरे लिए मैं ही बड़ा हूँ कहकर इस भले आदमी पे हाथ उठा दिया उन्होंने। घमंड। घमंड नहीं, हिंसा। ये तो ऐसे हंसता जैसे बगुला उड़ रहा हो। मन तो यही कर रहा है गर्दन काट दो इसकी, सुई में धागा। ये इनके साथ ही रहता है बलराम जी, ऐसे ही हंसता है। ए, बाहर जा। अब बलराम जी, आपको इन्हें न्याय दिलाना होगा। वैसे ये कौन सा व्यापार करते हैं? देसी दारू का, गवर्नमेंट का लाइसेंस भी है इनके पास। मतलब दारू का अड्डा? क्या दारू का अड्डा, कितने आराम से कह दिया। 10 लाख लगाकर पूरा एरिया ले लिया है इन्होंने। चिंतामणि साहब, एक पल भी यहाँ रुके तो मैं तुम्हें धक्के मार के यहाँ से निकाल दूंगा। समाधि के पास ही नहीं, गांव में भी कहीं भी दारू का अड्डा बनाया तो गोली मार दूंगा। ए, ये सब क्या है? तुमने मुझे कहा था कि कोई बड़ा आदमी, मैं इसलिए यहाँ पे चलाया। इस गांव में व्यापार करने के लिए मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। ये क्या अपने आप को इस गांव का राजा समझता है? इस धंधे में मैंने 1,00,000 रुपए लगाए, चूड़ियां पहन के बैठने के लिए नहीं लगाए। मैं इस गांव में अपना अड्डा बना के रहूंगा और देखता हूँ कि कौन मेरे बीच में आता है। बलराम जी, बलराम जी, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। उस बेवकूफ से मैं बात करूंगा, आप थोड़ा शांत हो जाइए। भाई अब आप चिंता करना छोड़ ही दीजिए, वो दोनों जब एक बात पे एक साथ है तो हम कुछ नहीं कर सकते गांव में। मूर्ख है वो, थोड़े दिन का टाइम दीजिए मुझे, उन दोनों के बीच थोड़ी फिटिंग लगाऊंगा, आपको खुशखबरी दूंगा, फिर आपका दारू का अड्डा लगेगा और इस गांव के लोग दारू पिएंगे। ये इस चिंतामणि का शपथ है, सुई में धागा। ऐसा हो सकता है क्या? अभी के लिए इतना ही। ठीक है, तेरी बात मान के मैं कुछ दिनों के लिए रुक जाता हूँ। इस बीच अगर कुछ भी गड़बड़ हुई ना तो सबसे पहले मैं तुझे खत्म करूंगा। इसका दारू का अड्डा लगवाने में मेरे खत्म होने का क्या संबंध है, इसकी तो सुई में धागा। आवारा ने मेरा पर्स मार लिया, वहाँ पर्स कहाँ रखा था? ब्लाउज में। अरे अरे तेरी, वहाँ से भी मारा तो पता नहीं चला जब क्या? उसने हाथ डाला तो मुझे पता नहीं चला कि पर्स के लिए। अरे रे 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 रे। अरे रे, क्या हुआ? लाइब्रेरी में अपनी बुक भूल गई और आज लास्ट डेट है, मैं जाकर लेकर आती हूँ, तुम लोग जाओ। हाँ, तेरे साथ में मैं भी चलूँ? नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी, तुम लोग जाओ। चलो चलो चलो। ये तो कभी भूलती नहीं है, आज कैसे भूल गई अपनी बुक? शायद जल्दबाजी में भूल गई होगी। तुम्हें क्या करना है, चलो चलो, कॉलेज के लिए टाइम हो रहा है। आ,
अरे बाप रे भैया। माँ देखो राघव आया है। कैसी हो तुम? ओहो तुम कैसे हो? मैं तो अच्छा हूँ। क्यों? क्या हुआ इस तरह से क्यों बात कर रही है? इतने दिनों बाद आए हैं ना, मजाक कर रही थी। क्यों कैसे हो? अच्छा हूँ। पूजा ये लो फूल रख लो। अच्छा ये आपके लिए और मैं आपके पति के लिए भी सामान लेकर आया हूँ। मेरे हाथ में क्यों दे रहे हो, जाकर सीधे उनके ही हाथ में दे दो। बाप रे ये पिताजी के हाथ में देगा ना तो पिताजी बंदूक नहीं चलाएंगे, भगा भगा के मारेंगे। देखा ना आपने, पूजा मेरी जरा भी इज्जत नहीं करती है। जो फूल मैं उसके लिए लाया उसने भगवान पे चढ़ा दिए। उसकी बातों पे क्यों ध्यान देते हो, अभी तो बच्ची है, चलो आके खाना खा लो। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि पूजा की शादी मुझसे करवाने में आखिर आपको परेशानी क्या है। मुझसे पूछकर क्या फायदा होगा, जो भी पूछना है ना उनसे ही पूछ लो। पूछूंगा क्या, मैं डरता हूँ जब वो आएंगे तो उनसे ही पूछूंगा। मैं क्या पूछोगे? बस मैं तो खाना खा रहा था, उठने में आप। अच्छा ठीक है ठीक है, बैठ जाओ अच्छे से खाना खाओ। खाना छोड़ो, पत्ता पलटना भी नहीं आता है तुम्हें। पत्ता अगर अपनी तरफ मोड़ा तो खाना देने वाले के साथ संबंध बनाना होता है, दूसरी तरफ मोड़ा तो संबंध तोड़ देना होता है। हमारा संबंध तुम्हें पसंद नहीं है क्या? संबंध बनाना है, संबंध बिल्कुल बनाना है। रुको मैं इसे ठीक से मोड़ता हूँ, एक पत्ता और दीजिए ना, उसे मैं ठीक से मोड़ कर दिखाऊंगा। भाई बहन दोनों एक जैसे हैं। ओए, शर्म नहीं आती है, कैसे मछली पकड़ रही है? मच्छी नहीं है तो फिर? झींगा, उसकी भी बिल्कुल तुम्हारी तरह लंबी लंबी मूछें होती है ना। इस जन्म में तो तुम्हें अकल नहीं आएगी। सुनो सुनो, थोड़ा हाथ दो ना, ऊपर आना है, हाथ ही तो मांग रही हूँ। ठीक है फिर से ऐसे बात नहीं करूंगी, पर हाथ दो ना। ठीक है। सुनो ना, तुम्हारी मूछ बहुत अच्छी है। हाथ हटा। पर शादी के बाद इसे निकालना होगा, वरना मुझे कितनी चुभेंगी। छे, बेशरम कहीं, जरा लाज नहीं है। अबे दरिद्र, क्या हुआ भाई? काम ठीक से क्यों नहीं कर रहा? कर तो रहा हूँ ना। ठीक से लगा। ठीक से लगा रहा हूँ। नीचे रख। नीचे रख। लगा तो रहा हूँ। ये क्या है बे? ये तो रुक के आकाश देख रही है, ऊपर कौवा देख रही है भाई। अरे क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? हाँ, जो लंबा है वो खंबा है। अरे ये क्या है, डबल मीनिंग में क्यों बात कर रही है ये? ये डबल मीनिंग नहीं है भाई, ये उसकी गांव की भाषा है। लंबा है जो खंबा, मतलब वो खंबे की बात कर रही है। वो देखो। तुम्हारा नाम क्या है? दापुला कस्तूरी। वाह कितना अच्छा नाम है। सिर्फ नाम ही नहीं भाई, लड़की भी। अच्छा वैसे तुम लंबे खंबे को या पेड़ को देख रही थी तो तुम ऐसे यहाँ क्यों रुक गई? खंबे को देखने के लिए दिल खुश हो जाता है ना। बाप रे, डबल मीनिंग में बात कर रही है यार, दिल खुश कर दिया इसने। नहीं भाई, दिल खुश मतलब दिल बाग बाग हो गया। अच्छा ये कैसी आदत है? इसे आदत समझ रहे हो? नहीं, मैंने अपना पूरा बचपन हैदराबाद में गुजारा है। वहाँ मेरा बचपन का दोस्त इलेक्ट्रिक ऑफिस में काम करता था, मुझे अपने कंधे पे बिठा के खंबा चढ़ता था, रिपेयर करता था, खंबा चढ़ता था, रिपेयर करता था। अरे बस करो, असली बात बताओ ना। बताती हूँ ना,
एक बार वो मेरे बिना ही जाकर खंबे पे चढ़ गया। क्या पता था कि उसे शौक लगेगा और वो मर जाएगा। उस दिन के बाद से जब भी कोई खंबा देखती हूँ तो मुझे उसकी याद आती है। कैसे सेंटीमेंट से? तो फिर इस गांव में क्यों आई हो? धोने के लिए। अरे बाप रे, क्या धोने के लिए? क्या धोने आऊंगी? कपड़े। वो तो मर गया, मुझे अपना गुजारा किसी तरह करना ही है ना, इसीलिए गांव में कपड़े धोकर अपना गुजारा करती हूँ। वैसे इस गांव में तालाब कहाँ है, बता दोगे क्या? तुम्हारी कहानी सुन के मेरा दिल रो उठा है, आओ मेरे गले से लग जाओ। तुम्हें तालाब चाहिए था ना, चलो मैं दिखाता हूँ। मेरा सामान मैं लेके आता हूँ, रुको। तुम यहाँ पूजा के लिए वेट कर रहे हो ना? अरे नहीं तो देखो, पूजा तुम्हारे लिए वहाँ वेट कर रही है। कम से कम आज के दिन मन खोल के बात कर लो, ऐसे शर्माओगे तो सिर फोड़ देंगे। हाँ, समझे कि नहीं? हाँ। क्या करेंगे? अब बैठे क्यों हो, जाओ ना। चलो चलो, हम भी चलें। हाँ, चलते हैं। कुछ तो बात करो। क्या बात करूं मैं? सर फोड़ेंगे। हाँ, बात करता हूँ। आप क्या काम करती हूँ? गोबर जमा करती हूँ। गाय का गोबर या भैंस का गोबर? शर्म नहीं आती क्या? एक अकेली लड़की को देखकर भी उससे क्या बात करनी चाहिए तुम्हें नहीं पता। आई लव यू। अरे बाप रे, ये क्या इतनी सडनली बोल दिया तुमने? और नहीं तो क्या, इंस्टॉलमेंट में बोलूं? नहीं, वो बात नहीं है, आप तो लेडीज है ना, फटाक से आपने बोल दिया। मैं लड़का हूँ ना, थोड़ा सोच समझ के फैसला करना होगा, क्योंकि जिंदगी से संबंधित मामला है ना। इसके बहाने मैं पूजा को देख सकता हूं। रुको, क्या है वो? मैं ये ओढ़नी हवा से उड़कर मेरे पास आ गई थी। जो भी सामान आएगा ऐसे ही जला दिया जाएगा, याद रखना। इसी तरह तुम्हारे 100 जन्मदिन और आएंगे। उन्हीं हाथों से अपनी भाभी के पैर भी छू लो, तुम्हें एक अच्छा सा आशीर्वाद दूंगी कि तुम्हें एक हीरो जैसा लड़का मिले। ठीक है भाभी। क्यों, तुम अकेले ही आशीर्वाद दोगे? मुझे नहीं बुला सकते थे? शादी होगी तो पता नहीं कैसे झेलूंगी इसे। तुमसे शादी करके मुझे कोई आफत मोल लेनी है क्या? तुम रुको। तुम दोनों के पैर छू। हैप्पी बर्थडे। सुनो, मेरा कपड़ा ले आओ। मैंने कपड़ा मंगवाया है। तुम पागल हो गई हो क्या? चप्पल हाथ में देती हो, कपड़ा पैर में रखती हो। हैं? जाओ जाओ बाहर। पूजा, क्या हुआ पिताजी? चप्पल लेकर आओ। हाँ। Thank you.
मतलब तुम जल्दबाजी इसलिए कर रही थी? तुम भी ना, डरा दिया ना मुझे। ये क्या है माँ, आपकी शादी को हुए इतने साल हो गए फिर भी पिताजी से इतना डरती हो? अब क्या बताऊँ मैं, पहली बार उनके कमरे में दूध के ग्लास के साथ गई थी, क्या है दूध है इस तरह पूछा, ग्लास ही फिसल गया। उस दिन से जो शुरू हुआ डर वो आज तक है। नमस्कार बलराम भाई। नमस्ते। 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 कॉफी 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 लीजिए सर। कॉफी कॉफी बेटा मुझे। ओह सॉरी। थैंक यू। कॉफी। नौकर भी आजकल पैंट शर्ट पहनने लगे भाई। नौकर? ओ, मैं नौकर नहीं हूँ भाई, कृष्णामूर्ति जी के मामा जी का बेटा हूँ। पता नहीं था इसलिए बोल दिया, बुरा मत मानना। पता होने के बाद भी बोलते तो क्या कर लेता, लड़की वाले हैं ना। वैसे कृष्णामूर्ति जी कब तक आएंगे? हाँ वो बैंक गए हैं, जब तक आप कॉफी पी रहे हो तब तक आ जाएंगे। आप पीजिए, आप भी पीजिए ना। वाह मुझे भी प्यार आ रहा है, तुम्हें देखते ही दूल्हे राजा कहेंगे आओ मंगलसूत्र पहना दो और तीन रातें यहीं रुकेंगे। इस तरह शर्माने वाली लड़कियां ही ना शादी के एक महीने बाद ही खुशखबरी देती हैं। क्यों चाची, फ्लैशबैक याद आ गया क्या? अरे क्या बताऊं, तुम्हारी बात से कुछ याद आ गया। तेरे चाचा जब पढ़ाई कर रहे थे उस वक्त हमारा रिश्ता तय हुआ, उसके बाद मैं पेट से हो गई, उसके बाद हमारी शादी हुई थी। क्या जोक पे जोक हो रहा है, हमें भी तो बताओ, हम भी तो हंसेंगे। ये बड़ों का जोक है, बच्चों को नहीं सुनाते। वैसे भी मुझे पता नहीं है इसलिए पूछ रहा हूँ, तुम इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हो? दो साल, जस्ट टू इयर्स मैं लेट पैदा हुआ ना, वरना मैं ही तुमसे शादी करता। इतना बुरा वक्त कभी नहीं आता कि तुमसे शादी करती। क्यों, वीरा शिवाजी में क्या कमी है? मौका मिलना चाहिए, उन्हें भी खूबसूरत लड़की मिलेगी। शाबाश ललिता, तुम ऐसे ही मुझे सपोर्ट करती रहो और मैं तुम्हारे उनको तुम्हारे बारे में रिकमेंड करता रहूंगा। अब मूड बदलना मत। ये जब तक आए हम बलराम जी से मिलकर आ जाते। ठीक है अब क्या करें, आदत सी ही हो गई है। सुनिए ये कहिए बलराम जी हैं क्या? नहीं है, खेतों में गए हैं। ठीक है बाद में आएंगे। नमस्ते साहब। नमस्ते। ओह क्या बात है भाई, कृष्णा वाले गोदावरी के पास कैसे आ गए? आपके गांव में लड़के का रिश्ता कर रहे हैं। हमारे गांव की लड़कियां तो सोना है, आंख बंद करके रिश्ता कर सकते हैं। वैसे लड़की कौन है? आपकी बहन। मेरी माँ की मैं अकेली औलाद हूँ। लेकिन पिता तो एक ही है ना जी। चुप करो। एक माँ से जब पैदा होते हैं तो उसे सगा कहते हैं, पर एक पिता है तो सगे कैसे हो सकते हैं? बेकार औरत माँ नहीं, अलग अलग कोख से पैदा होने वाले सगे भाई बहन नहीं होते। घोड़े और गधे को एक ही डोर से मत बांधो। पेड़ का नाम बता के दूसरा फल बेचने वाली जात है। दोबारा ऐसी गलती करोगे तो गर्दन उड़वा दूंगा। जाओ यहां से। आपका नाम सुन के लगा रिश्ता किसी बड़े घर में हो रहा है, पर यहां आकर हमें पता चला है कि हम लोगों से एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी, माफ कीजिए हमें। चलो 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 यहां से। हाँ, हाँ, चलो, 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 चलो। सर सर ऐसे जल्दबाजी मत कीजिए। सुनिए उन्होंने गुस्से में कुछ कह दिया हो तो भूल जाइए, लड़की के बारे में तो सोचिए, जज्बाती मत बनिए, मेरी बात सुनिए। और क्या सुने, उन्होंने जो कहा हम लोगों ने सुन लिया, अवैध रूप से पैदा लड़की हमें नहीं चाहिए। अगर एक शब्द भी मुंह से निकाला तो फिर आगे बोलने के लिए जिंदा नहीं बचेगा। सुनिए Oh!
करते हैं, वो भी हमारे भैया हैं। उनकी मौत के बाद अगर मेरी शादी हुई तो ये शुभ नहीं होगा। मेरी शादी ना हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आप दोनों तो मेरी दो आंखों की तरह हैं। पर एक आंख देख नहीं पाती है, इसलिए उसे बेच दो। पर दोनों आंखें साथ रहती हैं, तो किसी दिन दिखाई दे सकता है भैया। ओम सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते अरोहिणी राज रक्षम नमामि रक्षाम करोति रक्षाम करोति। आरती ले लो बेटी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायण। मेरे पिताजी का मन बदल जाए ऐसी प्रार्थना कर रही हूँ बेटी। वो इंसान नहीं है, पत्थर है। इस जन्म में वो कभी नहीं बदलेंगे। ऐसे है कि उन्होंने अपनी बहन से रिश्ता तोड़ दिया, वो भी देखेंगे। ये ऐसे खत्म नहीं होगा, उनकी भी तो एक बेटी है। ए चुप कर, तब से देख रही हूँ क्या बकवास कर रही है। वो तेरे पिता होने से पहले मेरे भैया हैं। तुझे तो सिर्फ उनका गुस्सा दिखाई देता है, पर मुझे उनकी अच्छाई और उनका प्यार भी पता है। बचपन में हम पर जान छिड़कते थे वो, कुछ लोगों ने उनके कान भर दिए, तब से उनका मन बदल गया। लेकिन तुम देखना पूजा, जिस दिन भैया को सच्चाई का पता चलेगा वो फिर पहले जैसे हो जाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है। अरे सुनो, आओ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ए पागल हो गई क्या तुम? पागली पगली चढ़ गई है। क्यों, अब कौन सा रोग हो गया? रोग नहीं हुआ है, मुझे दूध पीने की आदत है। दूध समझ के कुछ और ही पी गई। किसी ने बदल दिया होगा, वही अब चढ़ गई है ऊपर। चढ़ गई। ये और नहीं कंधे पे डाल। क्या हुआ, क्या हुआ? ये ठीक ही तो है। ये लहंगा है। ओह, ये लहंगा है, ये ओढ़नी है। अरे कोई देख लेगा। देख लेगा क्या? कौन है बे? ए तेरी तो कौन देखेगा मुझे बे? हाँ बारा बेवकूफ कहीं की। क्यों जी, मुझे गाली दे रहे हैं? हाँ तू गया। ए अब तू गया, फिनिश। एक दूंगी तो तुम ताश। मैं एक या आई आई ओयो। मुझे प्यार हुआ है, प्यार हुआ है। चल चुप, सीधा पाँव करो। प्यार हुआ है। ललिता, अब तक नहारा नहीं हुआ क्या? और कितनी देर लगेगी? आ रही हूँ। कस्तूरी, कस्तूरी, अरे मेरी दोपला कस्तूरी, मेरी दोपला कस्तूरी। क्या हुआ, ऐसे भाग के क्यों आ रहे हो? तुम्हें लंबे खम्बे पसंद है ना? हाँ। पर वो खा नहीं सकते है ना, इसलिए तुम्हारे लिए मैं ये गन्ना लेकर आया हूँ, ये लो। तुम कितने अच्छे हो, तुम्हें याद था कि मुझे क्या पसंद है। कपड़े धोने के बाद गन्ना चूसूंगी, वहाँ रख दो। अरे कपड़े तो कभी भी धो सकती हो, छोड़ दो। चाहो तो मैं बाद में धो दूंगा। आओ आ जाओ, हाथ दो। क्या बात, आ जाओ बैठ। महारानी की तरह पैर पर पैर डालकर बैठो और ये गन्ना ले लो, मैं कपड़े धोकर आता हूँ। ठीक है। अभी आया, अभी आया, कपड़े धो लो।
साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। और तू धोते कस्तूरी, कस्तूरी मैं यहाँ पे हूँ, ये बात किसी को बताना मत, मैं जा रहा हूँ। अरे क्या हुआ, कहाँ छुपू? कस्तूरी किसी को बताना मत, मैं आऊँ। कस्तूरी, कस्तूरी सुना कस्तूरी, भाभी के कपड़े अच्छे से धोना है, ऐसे वैसे नहीं, साबुन लगा के। ठीक है, एक अच्छे से आदमी ने मुझे ये प्यार से दिया है, इसे चूस के बाद में करती हूँ, वहाँ रख दो। तुम बैठी रहो, हम क्या इतनी भी सहायता नहीं कर सकते? बस एक मिनट। बस दो मिनट में ये पूरी तरह से उबल जाएंगे। नीचे से आग लग रही है ना? अरे बाप रे बाप! अरे भाभी, ये तो भैया कस्तूरी से मिलने आए थे। कस्तूरी से इनका टाका भिड़ रहा है। अरे खुद तुम्हें बताती हूँ, इतनी उम्र हो गई पर अकल नहीं आई क्या? अभी ठीक है, क्या चाहिए? क्या चाहिए? आ गया, बोल। लपक के मारो, लपक के, पिछवाड़े में भी है। मारो और दो मारो, हाँ मारो मारो, सब मिलके मारो। हेलो, कुछ कपड़े धोने के चक्कर में मैं भूल गया। अरे क्या हो गया? शादीशुदा आदमी को ये सब नहीं करना चाहिए, ये काम तो हमारे जैसों का है। अच्छा ऐसा है क्या? नौ बजे पूजा से मिलना था और ये बाथरूम से बाहर भी नहीं आ रहे हैं। भैया क्या? मैं खेतों में जाके आता हूँ। तुझे इतना अर्जेंटली जाने की जरूरत नहीं है, मैं भी वहीं पर जा रहा हूँ। पर वो जो किया वो बलराम की बेटिया फिर कृष्णा मूर्ति की बहन के साथ करता तो वहां पे जायदाद और लड़की दोनों मिलती ना बेटा।
गांव की औरत पे हाथ डाला था तो चमड़ी उधेड़ दी थी, ऐसे में उसकी बेटी पे हाथ डाला है, पता चलेगा तो मेरी जान निकाल देगा। मुझ पे राजनीति करने के लिए तुमने ये पंचायत रखी है पिताजी? मेरी राजनीति किस पे, तुझे जल्दी पता चल जाएगा। तू अपना चोंच बंद कर और जो होता है होने दे। क्या होना है, मेरी लाश को देखोगे? चुप कर। मैं नमस्ते साहब। नमस्ते साहब। साहब नमस्ते। नमस्ते। मुझे क्यों बुलाया है? कोई बात क्यों नहीं कर रहा है, जो हुआ वो देखने वाले यहाँ पर बहुत लोग हैं ना। मेरे बेटे को इस तरह से क्यों मारा, इनसे बोलिए कि बताएं। इनको क्या लगता है कि ये कुछ भी कर सकते हैं, या फिर इस गांव में बलराम जी के साथ साथ सभी ने चूड़ियां पहन रखी हैं? पूछिए। कारण क्या है ये बताओ। जो गुनाह इसने किया उसके बाद तो इसके टुकड़े कर देने चाहिए थे। उसने ऐसी कौन सी गलती कर दी? एक लड़की का बलात्कार करने की कोशिश की। कौन है वो लड़की? कितनी मासूमियत से बात कर रहे हैं बलराम जी। ये क्या कह रहे हो तुम? जो सच है वही कह रहा हूँ जी, लड़की वड़की कोई नहीं है। उस दिन उनकी जात का आदमी जब मंदिर जा रहा था, मेरे बेटे ने रोका, उसी बात को मन में रखकर मेरे बेटे को गधे की तरह धो दिया। यही है असली मामला। चिंतामणि, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं? आपके चिल्लाने से यहाँ कोई नहीं डरेगा। आपकी बात अगर सच है तो मेरे बेटे ने जिस पर जुल्म किया वो लड़की कौन है, लेकर आइए उसे। देखा, जवाब नहीं है इनके पास। अगर कुछ हुआ होता तो बोलते ना। अगर आपको बात समझ में आ गई तो हमारे लिए बहुत है। अब आपको जो कहना है कहिए, बैठ बेटा। सुनिए, ऐसे चुपचाप क्यों खड़े हैं? बताइए ना वो लड़की कौन है। तुम चुप रहो। व्यर्थ की बातें मन में रख के किसी दूसरे बहाने से किसी आदमी को मारना पहली गलती, जो सच है वो पंचायत में नहीं बताना दूसरी गलती। इसकी सजा 50 बार चाबुक। अंथर्वेदी। हाँ जी। वो सजा तुम अपने हाथों से दो। मैं उन्हें नहीं मार पाऊंगा जी, ये मुझसे नहीं होगा। बुज़दिल कहीं का। ए वेंकना। वो यहाँ से पहले ही चला गया जी। जब कोई आगे ना आ रहा हो तो सजा सुनाने वाले को ही आना पड़ता है, ये नियम है। तो फिर देरी किस बात की बलराम जी? सुनिए। बोलो। पूजा के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर उसकी शादी करवा देंगे तो? जल्दी क्या है, अभी वो पढ़ रही है ना। उम्र हो गई है ना उसकी। ओहो, तुम नहीं बताती तो मुझे पता नहीं चलता। बात वो नहीं है। ठीक है ठीक है, देखते हैं। अंदर जाके अपना काम करो।
जब से आया हूँ मैं तब से देख रहा हूँ क्यों ऐसे उदास बैठी हो। पिताजी ने मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया है। तो उसमें उदास क्यों हो रही हो? उससे पहले हम शादी कर लेते हैं। सच में तुम में इतनी हिम्मत है क्या शिवाजी? शादी करने के लिए हिम्मत क्यों चाहिए? शादी के लिए नहीं, बड़ों से लड़ने के लिए। तुम्हारे लिए सिर्फ बड़ों से ही नहीं, पूरी दुनिया से मैं लड़ सकता हूँ। पूजा, 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 पूजा कहाँ है? क्या हुआ है जी? क्या चल रहा है ये सब? हाँ, मैंने सुना है तुम रोज कॉलेज लेट जाती हो, जवाब दो। वो मेरी फ्रेंड है। कौन सी फ्रेंड? नंदिनी की माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उसे घर के काम करने पड़ते हैं। मैं उसके घर जाकर उसकी मदद करती हूँ, इसलिए लेट हो जाती हूँ। क्यों, नंदिनी साथ में नहीं होगी तो तुम्हें कॉलेज का रास्ता याद नहीं रहेगा? कल से अगर पता चला कि तुम कॉलेज देर से पहुंची हो तो तुम्हारे हाथ पैर तोड़वा दूंगा मैं। जाओ अंदर, निकल जाए यहां से। तेरा कोई नहीं ये सोचकर तुझे शरण दी थी, और तुझे थाली में खाता उसे भी चेत कर रहा है। तुझे प्यार चाहिए? हाँ, यहाँ जब तू आया था तभी मैंने तुझसे कहा था कि तेरी परछाई भी बगल के घर में नहीं पड़नी चाहिए। तुझ में इतनी हिम्मत है कि तू ये सब कर रहा है? हाँ, निकल जाए यहाँ से। भैया, उसे पता नहीं था इसलिए। चुप करो, पहले से हमारे बीच में मतभेद है ये काफी नहीं है। जाओ अंदर। अभी भी यही खड़ा है तू? जा रहा कि तेरे टुकड़े टुकड़े कर दू। अंदर कहाँ जा रही हो? सीता घर में नहीं, मंदिर गई है। पता है, उसी ने मुझे भेजा है दूध मिला के तुम्हें चारा डालने के लिए, वही खाना देने के लिए। खुद कुछ भी कर ले तो ठीक है, वही काम कोई और करे तो गलत हो जाता है। हमें पसंद तो सिर पर चढ़ा देंगे, वरना बड़ी बेरहमी से ही सर से नीचे उतार देंगे। असल में हमारे वंश में ही तो है ये दोहरा न्याय। ए, तब से देख रहा हूँ घुमा फिरा कर बात कर रही हो, जो कहना सीधे सीधे कहो। क्या कहूँ मैं, तुम प्रेम कर सकते हो, गांव वाले सभी प्रेम कर सकते हैं, लेकिन उस शिवाजी ने प्रेम किया तो गलत हो गया और उसे घर से निकाल दिया। सोच समझ के बोलो। मैंने उसे इसलिए नहीं निकाला कि उसने प्रेम किया, उसे प्रेम करने का हक नहीं इसलिए निकाला। और ऐसा क्यों है? हमें है और उसे क्यों नहीं है? ताकत, प्रेम करना काफी नहीं होता, उसके लिए इस दुनिया में लड़ने की हिम्मत होनी चाहिए। जब मैं उसे यहाँ से निकाल रहा था तो वो मुझसे हिम्मत करके कह सकता था कि वो पूजा से बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन वो ये भी नहीं कर पाया तो फिर ऐसा इंसान मेरे भैया के सामने कल कैसे खड़ा हो सकता है? बताओ कि भैया को मना कर फिर पूजा से वो शादी कैसे कर सकता है? बुझ दिल है वो। अब मेरा ये फैसला समझ में आया तुझे? गलती हो गई जी, इस बारे में सुनते ही ना मुझे गुस्सा आ गया था, इसलिए जो मुंह में आया सब बकती गई पगली कहीं की। मुझे पता नहीं है क्या, तुम्हारे विचार कितने अलग हैं। ठीक है, अब तो समझ में आ गया ना। कुछ दिन इस दरिद्र जगह पर वो नहीं आएगा तो वो खुद ही भूल जाएगा, तब तक तुम्हारे घर पर रहने। वो मेरे घर में, तुम्हें कैसे पता चला? उसकी वकालत करने आई हो। घर जाकर उससे कहना कि हर गधा प्यार कर सकता है लेकिन हिम्मत वाला ही उसे निभा सकता है। सुनिए ना, जरा एक बार फिर स्टंट तो करो। नमस्ते बलराम जी। नमस्ते बलराम जी। आओ भाई, थोड़े काले पड़ रहे हो, क्या बात है? क्या कहेंगे जी, मंदिरों में इस साल उत्सव धूमधाम से होना चाहिए ऐसा आपने ही कहा है, मैं उसी काम में लगा हूँ जी। आपका हुक्म मतलब मेरे लिए पत्थर की लकीर है जी। बैंड वालों को बुलाया है, डांस ग्रुप को भी बुला लिया है, मंडप से लेकर दिया हार तक सब कुछ आप तो देखेंगे ही ना जी। सारी तैयारी तुम अच्छी तरह से कर रहे हो, तुम्हारी उम्र के साथ तुम्हारी जवानी भी कम नहीं हुई। तो क्या मुझे 16 साल का बालक समझ रखा है? सुई में धागा। इसमें मैंने क्या किया है? जितना भी काम है वो सब मैंने ऊपर ऊपर किया है बलराम जी, असली काम तो अंतरवेदी ने किया है। इसका मतलब तेरा बेटा भी इंतजाम कर रहा है। आपकी दया से वो पूरी तरह बदल गया है। अब उसे देखता हूँ तो मुझे खुद ही शर्म आ जाती है, ऊपर से वो आपकी बहुत इज्जत करता है। अच्छा, क्या कहूँ अब, अपने हाथों से चार अक्षत उस पे डालने जिंदगी संवर जाएगी उसकी। उसमें क्या है, कहीं अच्छा रिश्ता देख लो। कहीं और रिश्ता क्यों देखूं जी, वैसे मैं आपके बहुत करीब हूँ,
धन दौलत आपसे ज्यादा तो नहीं, लेकिन भगवान ने मुझे भी दिया है बलराम जी। इकलौता बेटा है मेरा ये, वो आपकी बेटी पूजा, बड़ी अच्छी जोड़ी लगेगी दोनों। चप्पल से मारूंगा तुम्हें। किसे? तुझे बे। हाँ? तेरी इतनी हिम्मत कि तू अपने गधे जैसे बेटे के लिए मेरी बेटी का हाथ मांग रहा है? तेरे पास चार पैसे क्या आ गए? तू अपने आप को इस बलराम से बड़ा समझने लगा है? तुम्हारा ऐसे पागलों जैसी बात की तो चप्पल से मारूंगा। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। आपने मुझे जो कुछ कहा है वो सब मैंने अपने बेटे को कह दिया, बल्कि इससे भी ज्यादा कहा उसे। बोला, जानते हो तुम, एक एक पैसा जोड़कर इतनी दौलत कमाई है मैंने, और वो तो बचपन से ही जमींदार है। उनमें और हम में जमीन आसमान का फर्क है, ऐसा भी मैंने कहा उससे, पर वो मेरी बात तो सुनता ही नहीं है, नालायक कहीं का। ऊपर से मुझे बोलता है कि जाकर आपसे बात करूं। बहुत हिम्मत करके आपसे बोला साहब। अगर आपको मेरी बात बुरी लग गई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। ठीक है जा। जानता हूँ बे, कभी ना कभी तो मेरे हाथ आएगा सुई में धागा। धूप में निकला न करो रूप की रानी, गोरा रंग काला न पड़ जाए। टिप टॉप तैयार हो गए, गाना गाते हुए कहाँ जा रहा है तू? अरे तेरी तो, तू तो शर्मा भी रहा है। लड़की देखने जा रहा हूँ भाई, इसीलिए शर्मा। क्या कहा? तू लड़की देखने जा रहा है? अरे ऐसे में मुझे शर्मानी चाहिए और तू शर्मा रहा है? कौन है वो बदनसीब? अरे किसके दिमाग खराब आ गए? बताऊंगा तो यकीन नहीं करोगे। डपुला कस्तूरी। डपुला कस्तूरी तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो गई, लेकिन कैसे? तुम शादीशुदा हो ये बात मैं पहले ही उसको बता चुका हूँ। अब इस पूरे गांव में इकलौता कुंवारा मर्द तो मैं ही हूँ, समझ गए ना? वजह ये नहीं है बे, उस बेचारे के पास कपड़े उठाने के लिए कोई गधा नहीं है ना, इसी बहाने उसने तुझसे शादी करने के लिए यहाँ कर दी। उसे मुफ्त का गधा मिल जाएगा। देखो, जबान संभाल के बात करो। अरे वो सब छोड़, वो ऑयल का डिब्बा इधर दे। सॉरी, अभी इसको छूंगा तो मेरी ड्रेस खराब हो जाएगी, इसीलिए ये लो। सॉरी भाई। कोई बात नहीं बे, इंसान ही तो गलतियां करते हैं, और तू तो गधा, तू तो करेगा ही। हाँ वैसे अब तू कस्तूरी के घर ही जा रहा है ना? हाँ भाई। तो एक काम करना, मैं भी उसी तरफ ही जा रहा हूँ, मेरी गाड़ी में आ जा, मैं ड्रॉप कर दूंगा। तुम क्यों तकलीफ कर रहे हो? अरे चुप कर, इतने सालों के बाद तेरी शादी हो रही, तेरी मदद नहीं करूंगा। चल आ जा। अरे स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? सुन, धक्का दे दे, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। मुझे पहले ही देर हो रही है, मैं जा रहा हूं। इसलिए तो कह रहा हूं, धक्का देना, तुझे जल्दी ड्रॉप कर दूंगा। आ जा। अरे ये तो हिल भी नहीं रही। ठीक से धक्का देना, इतना भी दम नहीं है क्या तेरे में? शादी के बाद क्या करेगा? क्या कहा तुमने? अब देखो मर्द का दम। जोर से धक्का लगा, थोड़ा और जोर लगा ना। जरा देख तो खुद को, क्या हाल हो गया? कीचड़ में लिपटे हुए गधे की तरह दिख रहा है तू। अब एक बार ऐसे भी कर दे, पूरा कपड़ा खराब हो गया। तो फिर दोबारा ऑयल का डिब्बा मुंह पे फेंकेगा क्या? और ऊपर से कैच भी। चल जा, इसी सूरत में दपोला कस्तूरी के घर जा। आँखियों से गोली मारे, आँखियों से। ए, मुझसे पंगा मत लेना। घटिया आदमी है ये। सीता, तुम्हारी भाभी नहीं आई क्या? आई है ना, वहाँ पर है। पड़ोस में वो शरारत कर रहे हैं, उनकी जरूरत है क्या? आप शुरू रखिए। Thank you.
देखा अपने पापा, आपके बड़े बेटे ने जो कारनामा किया, वंश का गौरव होना चाहिए इसीलिए, आपके नाम का गौरव होना चाहिए इसीलिए मैंने अपने गुस्से को इतने सालों तक दबा कर रखा। एक रखेल का बेटा हूं, इसीलिए मेरा और मेरी माँ का कितनी बार अपमान किया गया वो सह लिया मैंने। मेरी बहन का रिश्ता बिगाड़ कर उसकी जिंदगी में जहर भर दिया वो भी सह लिया। पर आज आज मैंने बहुत ही पवित्र मन से जो पिंड आपके लिए रखा था उन्होंने अपने दाएं हाथ से उसे नीचे गिरा दिया, आपके बड़े बेटे ने। बहुत हो गया पापा, जो थोड़ा बहुत बचा हुआ बंधन था आज वो पूरा खत्म हो गया। हाँ पापा, मैंने यहाँ पर आपकी समाधि बनाई है, पर वो बलराम भैया ने मेरे लिए समाधि यहाँ पर बनाई है, यहाँ पर बनाई। भाभी बुलाऊंगा तो आप बलराम भैया की बीवी हो जाएंगी। मेरे प्रश्न का उत्तर आप एक माँ की तरह देंगी क्या? आपने जो दीप जलाया था वो दीप और कितने साल जलेगा? तुम्हारे पिता की आत्मा को शांति और तुम्हारे मन को शांति मिलने तक। बेकार की आशाएं मत दिखाइए, वो इस जन्म में नहीं होने वाला। तुम परेशान हो पर गुस्से में नहीं हो। एक दिन उनको अपनी गलती का एहसास होगा और बहुत जल्द आपके भैया तुम्हें भाई कहकर बुलाएंगे। उस दिन ये माँ तुमसे खुद को भाभी कहलवाएगी। पागल हो गया है क्या? कल मंदिर में उत्सव है ना? हाँ। उसमें बलि का खेल होगा ना? हाँ तो? उसमें मैं बलशाली बैल से टकराऊंगा। तुझे कौन सा रोग लगा है बे? तो फिर क्या ये बेकार सी है जिंदगी? वो पूजा, वो शादी, सुहाग रात, वो सुई में धागा, पूजा से शादी के सपने देख रहा था, उसके पिताजी से डांट खा करके आ गया। सच कहा, अच्छा याद दिलाया तूने। कल बलराम का बैल जैसे ही मैदान में आएगा एक काम करना, तू इधर अरे कहाँ जा रहे हो भाई? मंदिर में, आज मंदिर में उत्सव है ना, बलराम जी को देखने जाना। बलराम को देखने के लिए मंदिर में क्यों जा रहे वो हो? वो धर्म करता है ना, भगवान की छवि बलराम जी में दिखेगी। अच्छा, मैं चलता हूँ। ठीक है ठीक है। धर्म करता मतलब भगवान का प्रतिनिधि होता है बेटा। सालों साल खुश रहो तुम। पहला खेल हो गया, अब असली खेल प्रारंभ होने जा रहा है। बलगाम बलराम जी का बैल मैदान में उतरेगा। पिछले 5 सालों से इस पूरे जिले में उसे हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। कम से कम इस साल तो क्या कोई ऐसा है जो उसे हराकर ये रंगाराव स्वर्ण पदक हासिल करेगा या नहीं? इस साल की एक और खास बात है, इस खेल में जीतने वाले खुशनसीब को बलराम जी की इकलौती पुत्री कुमारी पूजा जी अपने हाथों से माला पहनाएंगी। बलराम जी के बैल को लेकर आया जाए। Thank you.
रुको, कहाँ जा रही हो? शिवाजी को चोट लगी है। पढ़ी लिखी हो, क्या बेवकूफी है ये? मेरे हाथों से हार गया बस इसी वजह से। बैल को निर्दयता से गोली मार दी तुम्हारे पिताजी ने। अगर तुम्हारे बारे में पता चलेगा तो क्या करेंगे वो? और एक युद्ध करने का सोच रही हो तुम? फिर से इस तरह पागलों जैसा व्यवहार मत करना, घर जाओ। क्यों बे, गधे की तरह क्या गुनगुना रहा है? गाने नहीं गा रहा हूँ, गालियाँ दे रहा हूँ। किसे? और किसे गाली दे रहा हूँ? तुम्हें दे रहा हूँ। मुझे? और नहीं तो क्या? तुम्हारे बेकार के प्लान के चक्कर में घर से निकाल दिया गया शिवाजी को, लेकिन फिर से ले गए वो कृष्णमूर्ति। कल शायद उसकी शादी करवा देंगे, परसों उसकी सुहागरात भी करवा देंगे, और मेरा काम पापा ओ पापा। अपने बाप को इतना कमजोर मत समझना बेटा। मैं जो सोच रहा था वो पूरा नहीं हुआ, थोड़ा सा ही हुआ। बचे हुए में सुई में धागा कैसे डालता हूँ देखता जा।
सीता जी भैया, वो दवाई पूजा को दो। ठीक है, जाओ। पूजा ये दवाई लेके जा, चोट पे लगा लेना। रंगा राव का वंश मतलब आग है, सालों से हमारे गांव के बड़े आदमी है। आज भी उनकी बात की बहुत इज्जत होती है, लोग बहुत मान सम्मान देते हैं। बलराम जी की बेटी के बारे में और भी कुछ बताना होगा क्या? वो संस्कार, मर्यादा, भक्ति, पूजा पाठ, लड़की सोना है। आप खुश नसीब है इसलिए बलराम जी के यहाँ रिश्ता हो रहा है। बलराम जी की बेटी। अच्छा, बड़ी आग है इनके वंश में। अच्छा हुआ मुझे सारी असलियत अभी के अभी ही पता चल गई। लड़की सोना नहीं, पत्थर है पत्थर। रुकिए, जल्दबाजी मत कीजिए, असल में हुआ क्या है? हट जाओ तुम, मेरी पूरी इज्जत मिट्टी में मिला दी इसने। सरेआम किसी के साथ गुल खिला रही थी ये, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रुकिए, मेरी बात सुनिए। इसे मारने से जो इज्जत बची है वो भी चली जाएगी, और जो चली गई है वो वापस नहीं आएगी। अच्छा होगा कि इसकी पसंद के लड़के से इसकी शादी करवा कर यहाँ से भेज देते हैं। दया करके मेरी बात मान लीजिए। सुनो राघव। हाँ? तुझे पूजा बहुत पसंद है ना? मैंने इस बारे में उनसे बात की थी, वो भी शादी के लिए मान गए हैं। ये क्या? उस दिन आपके पति ने क्या कहा था? अगर संबंध नहीं बनाना है तो इस पत्ते को बाहर की तरफ मोड़। अरे राघव, पर मेरी बात समझिए, अगर आप इज्जत से देती तो मैं दो निवाला ज्यादा भी खा लेता, पर किसी का झूठा मैं कैसे खा सकता हूं? कस्तूरी, 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 वो बोना कह रहा था कि तुम उसे शादी करने वाली, क्या ये सच है? कौन? वो जो काला सा दिखता है, छोटा सा। हाँ? हाँ, उसने मेरे दादा से पूछा और कहा मुझसे शादी करेगा तो 2 एकड़ जमीन मेरे नाम करेगा। जो 2 रुपए का खर्चा नहीं कर सकता वो तुझे 2 एकड़ जमीन देने की कह रहा था, कहाँ से लाके देगा? सच बोल रहे हो? अरे झूठ क्यों बोलूंगा, अगर तुम्हें उस बौने के बारे में कुछ पता चले तो तुम उसे अपने पास भी ना बिठाओ। उसके जन्म की कहानी पता है तुम्हें? क्या है बताओ ना जरा। उसके माता पिता को बहुत सालों तक कोई बच्चा नहीं हुआ था, तो उन्होंने कहा कि अगर हमें कोई लड़का होगा तो हम काले बकरे की बलि देंगे, और उस दिन उसका बाप नशे में काला बकरा समझ के गधे को खचक करके काट दिया और ये पैदा हो गया। इतनी जल्दी थू कर रही है, और भी बहुत कुछ है। उसके जन्म के बाद सबने उसकी माँ को उससे अलग रखा और 4 दिन तक दिखाया ही नहीं, और फिर सोचा भाई 5वें दिन तो दिखाना पड़ेगा, तो क्या करे, बस वो माँ ने जैसे ही इसे देखा धक करके उसका दिल रुक गया और वहीं पे वो मर गई। ये सब कुछ एक साथ ही हो गया था, ये है उसकी स्टोरी, समझी? तो इसीलिए उस जैसे घने से शादी करने से अच्छा मुझ जैसे से कर ले, सुखी रहेगी तू। देखो अगर तुमने साबुन लगाया तो मैं धो दूंगा, तुमने धो दिया तो मैं इस्त्री करके रख दूंगा। कस्तूरी, हम दोनों इस्त्री और कपड़े की तरह मिलकर रहेंगे ना? क्या करती है? गांव वाले उल्टा सीधा बोल रहे हैं ये सोचकर उदास मत होइए बलराम जी, पूजा संस्कारी ये सभी जानते हैं, और उस हिसाब से मेरा बेटा भी तो कम नहीं है। अरे छोटी छोटी बातों पर गौर नहीं करना चाहिए। इसके पहले शादी की बात की थी तो आपने मुझे डांट दिया था, नहीं बुरा नहीं माना था, आप बड़े हैं मैं छोटा हूँ मालिक। हाँ, अगर पूजा मेरे घर की बहू बन जाए तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी मालिक। ठीक है, रिश्ता तय करने के लिए एक अच्छा दिन देखो।
सुनिए, क्या है? आपने सोच समझ कर ये फैसला किया है ना? कौन सा निर्णय? वो अंतर्वेद आदमी कैसा है ये आप जानते हैं। इसके बावजूद आपने अपनी बेटी का रिश्ता उससे। गांव के बाहर दूसरी जाति के लड़के के साथ गुल खिलाने वाली लड़की के साथ कौन शादी करेगा? उसके सिवा कोई आगे नहीं आएगा। आखिर में राघव ने भी क्या कहा था ये तो सुना था ना तुमने? वो बच्ची है, छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा। अनजाने में किया हो या जानबूझकर किया हो, गलती तो गलती होती है। मैंने चिंतामणि को जुबान दे दी है, मेरे निर्णय को कोई नहीं बदल सकता। आंखें फाड़ के क्या देख रहा है चिंतामणि? जो शगुन भैया को लेकर आना चाहिए था वो उनका भाई क्यों लाया है? सोच रहे होंगे दोनों मिल कब गए। ये शादी का शगुन नहीं है, मौत की चेतावनी है। अगर तुम दोनों ने मेरे भैया के घर जाकर शगुन ले लिया तो इस थाली की हल्दी में तुम दोनों की लाश पर चढ़ाऊंगा, ये नारियल तुम्हारी समाधि पर फोड़ूंगा। पिताजी याद रखना, ये मेरी बेटी की शादी में आने वाला वो कौन होता है? वो यहां नहीं आएगा, मैं खुद शगुन देने वहां जाऊंगा, देखता हूं कौन रोकता है। ये हथियार लेकर कहां जा रहे हो? वो रिश्ता नहीं हो सकता भाभी, पूजा की शादी उसके साथ अन्याय है, मैं ये नहीं होने दूंगा। जो बीच में आया उसे काट कर रख दूंगा। तुम्हें रोकने की कोशिश करने के लिए सबसे पहले बीच में आने वाले तुम्हारे भैया ही हैं। उन्हें मारने के बाद ही तुम किसी और को मार सकते हो। अब भाभी, मेरी बेटी के गले में मंगलसूत्र पहनाने के लिए क्या मेरे गले का मंगलसूत्र उतरवाना चाहते हो? अगर तुम्हारे डर से लड़के वाले रिश्ता करने से मना भी कर देंगे तब भी तुम्हारे भैया नहीं मानेंगे। वो कितने जिद्दी है ये तुम जानते ही हो, जान भले चली जाए जुबान से नहीं मुकरेंगे। तुम में भी तो वही खून है, तुम भी तो हार मानकर पीछे हटने वालों में से नहीं हो। लेकिन बेटा, एक दिन तुमने मुझे मां कहकर पुकारा था, तुम्हें ये बात तो याद है ना बेटा? अब एक मां की विनती है तुमसे, मुझे मेरा मंगलसूत्र भीख में दे दो। ठीक है। गुस्से में अपनी बात से मुकर तो नहीं जाओगे ना? नहीं भाभी, वादे से बिल्कुल नहीं मुकरूंगा, शगुन के कार्यक्रम को नहीं रुकूंगा। शिवाजी और पूजा की शादी का वादा किया था मैंने, वो वादा भी पूरा करूंगा। देखो, उनका घर हो या तुम्हारा घर हो, शगुन देना तो जरूरी होता है, ये शुभ काम है, इसे शुरू करो। तुम बहुत खुश नसीब हो चिंतामणि, बलराम बहुत महान व्यक्ति हैं, समझे तुम? अरे उसमें क्या है जी, लड़की पैदा करने वाला पिता कितना ही महान हो उसे दामाद के पैर छूने ही पड़ते हैं। समझी जी, शगुन दे दिया मतलब आधी शादी हो ही गई समझिए। तो फिर अब बाकी चीजों के बारे में बात कर लें। बाकी विषय पे बात करने के लिए क्या है, मेरी इकलौती बेटी है, मेरी पूरी जायदाद उसी की है। अरे जायदाद कहाँ जाने वाली है जी, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा आपसे। तो फिर मेरा बेटा आपका दामाद होने वाला है मतलब, तो उसकी स्थिति भी आपकी जैसी होनी चाहिए ना, और दामाद की स्थिति ठीक करने की जिम्मेदारी लड़की के पिता पर ही होती है जी, जानते हैं ना। इतने सालों से आपका परिवार जो मंदिर में दान पुण्य कर रहा है, शादी से पहले ही मतलब कि कल ही मेरे बेटे के हवाले हो जाना चाहिए। चिंता बड़ी, चिल्लाकर फायदा नहीं है जी, अभी भी पूजा के बारे में लोग अनाप शनाप बातें कर रहे हैं, ये सब जानते हुए भी इस विष को पी रहा हूँ। शगुन देने के बाद कहीं अगर ये शादी टूट गई ना तो आपकी जो प्रतिष्ठा है कहीं सुई में धागा।
और एक बात समझी जी, मैं आपको जो बताने वाला हूँ उसमें से एक मुख्य विषय ये है, कल से मेरा ये जो बेटा है वो मेरा नहीं होगा, वो बलराम जी का दामाद होगा। अगर ऐसा आदमी बिना व्यापार और धंधे के रहा तो ये समाज वाले क्या कहेंगे। इसीलिए शादी के मुहूर्त के साथ ही मेरा बेटा एक व्यापार आरंभ कर रहा है, इनसे मिलिए, उसका पार्टनर। पुजारी जी, कल मेरा बेटा मंदिर का धर्मकर्ता बनने वाला है, उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। हाँ, ठीक है ना। अब यहाँ क्यों खड़े हैं, जाइए जल्दी। अच्छा। देखिए नागराज जी, कल की जो तारीख है मेरे बेटे की शादी के लिए बहुत अच्छा मुहूर्त है, तो उसी मुहूर्त में अपने व्यापार की शुरुआत करने की तैयारी आप भी कर लीजिए। लेकिन उसके लिए तो मुझे कोई फिक्र नहीं। बिल्कुल सही है, क्या कहते हैं समधी जी, कहने के लिए बचाई क्या सुई में धागा। तो गंदी नाली का कीचड़ है और तू तो सड़ता हुआ गोबर है। ज्यादा बड़ा तो तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा मैं। जब जब भी मैं सपूला कस्तूरी के पास जाता हूँ तो हमेशा बीच में कोई टांग अड़ा देता है। करंट तुम्हारे पास है तो जनरेटर की भी क्या जरूरत। हम लोग ऐसे लड़ रहे हैं जैसे बलराम और कृष्ण मूर्ति लड़ रहे हो, तो बीच में कोई तीसरा आएगा और उसे ले जाएगा। करेक्ट बोला। इसीलिए तो हम दोनों को मिलके एक अंडरस्टैंडिंग पे आके दपुला कस्तूरी को सेट करना होगा, समझा। एक बात बोलूं, दपुला कस्तूरी तो मेरी है। मार दूंगा तुझे मैं। क्या कहा? क्यों बे? जो भी होगा 50-50। अगर ऐसा है तो फिर ये उसे कैसे पता चला? अरे पगले, बहुत ही सिंपल है। ये दो गिलास उसको पिला देंगे ना तो ये पीने के बाद उसको कुछ पता नहीं चलेगा। ए, तुम दोनों तो आपस में चिपक रहे हो। तुम यहाँ पर कैसे? और कहाँ जाऊंगी, अभी अभी हैदराबाद से आ रही हूँ। एक खुशखबरी है। मेरे बचपन का दोस्त जो शौक से मर गया था ना, वो मरा नहीं है, जिंदा है। सुनिए, यहाँ ये ना। यही है मेरे वो। इस खुशी के मौके पर मन हो रहा है कि पूरी दुनिया को पार्टी दे दूं, लेकिन सोच रहा हूं कि किसको दूं, इसलिए हमने अपने आप को ही पार्टी दे दिया, क्योंकि हमारी दुनिया तो यही है। बलराम जैसा आदमी मेरे पैर धोएगा, कन्यादान करने वाला, इसीलिए ये पार्टी है ना पिताजी। अबे मुंह बंद कर अपना, सुई में धागा डालने में कितने साल लग गए पता है? असल में बाला गांव वालों से हम कस्तूरी वाले हमेशा एक सीढ़ी नीचे ही हैं। हमारे दादा परदादा ने उन्हें मसलने का बहुत प्रयत्न किया। इस बार बलगम राव जी ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, और वो है दूसरे बच्चे की गलती, और उसका मेरे बाप ने आसरा लिया। बलराम जी की माँ की मौत का कारण वो तुलसमा ही है, ऐसा झूठ बोल दिया, और उस बात को मैंने और भी तूल दे दी। सच में हुआ क्या था पता है, बलराम जब बचपन में अपनी मौत से जूझ रहा था तो उसकी सौतन तुलसमा डॉक्टर के मना करने पर भी अपना खून उसको देकर उसे बचाने के लिए अपनी जान दे दी। पर हमारी बातें सुनकर बलराम जी ने भाई को और बहन को घर से बाहर निकाल दिया, और उसे देखना तो दूर, उसकी परछाई से भी नफरत करने लगे। अब तुम देखना, बलराम जी के मंदिर का जो धर्म करता है वो कल से हमारा हो जाएगा। जैसे ही वो पगड़ी तुम्हारे सर पे चढ़ेगी, सुई में धागा पूरी तरह से डला जाएगा। अरे चिंतामणि, वो अपने आप को बहुत बड़ा तुर्रम खा समझता था, तुमने उसे ही बदल दिया। बेटा जैसा मैं कहता हूँ वैसा दोहराऊँ, वंश पारंपरियेण संक्रमित्रम्, वंश पारंपरियेण संक्रमित्रम्, इदम् धर्मकृत्कृत्वम्, इदम् धर्मकृत्कृत्वम्। सालों से हमारे वंश को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला, पर आज मेरे बेटे को मिल रहा है,
ये अब गांव हमारा ही है, सुई में धागा। अंतर्वेद ही, अंतर्वेद ही। कौन है भैया? रुक, वही बात मैं भी बोल रहा हूँ। पुजारी जी, ये कार्यक्रम नहीं हो सकता। ये क्या बकवास है? तुम कौन होते हो रोकने वाले? लेने वाला वो कौन होता है? धर्मकर्ता बलराम जी दे रहे हैं। उन्हें किसने दिया वो हक? मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार जिस जनता को नहीं है, उन्हें हक के बारे में पूछने का अधिकार नहीं। मंदिर का गौरव जब तक पवित्र था तब तक मैंने कदम नहीं रखा था। अब ऐसे कमीने को ये अधिकार दे रहे हैं तो मुझे बीच में आने के लिए कदम रखना पड़ा। पुजारी जी, इस मंदिर का धर्मकर्ता किसका है? बलराम जी का है। मतलब बलराम जी के पैदा होने के बाद ये रिवाज पैदा हुआ है क्या? नहीं तो? तो फिर? उससे पहले ये रिवाज उनके पिता रंगराव जी का था। तभी पैदा हुआ था ये रिवाज क्या? नहीं तो? तो फिर कब का है बताइए ना। जाने दो, मैं बताऊं क्या। ये धर्मकर्ता भगवान रंगाराव जी के पिता राजा राव जी का है, राजा राव जी के पिता भानुजी राव का है, भानुजी राव के पिता शिवाजी राव जी का है, उनके पिता जगपति राव जी का है, उनके पिता राव बहादुर गोपाल रंगा जमींदार जी का है। उन्होंने बनवाया है ये मंदिर। इस मंदिर के पत्थर की कारीगरी पर देखिए, वहां होगा वंश का वृक्ष, और उस दिन से उनकी संतान को ही वारिस का हक मिल रहा है। तो मुझे नहीं मिलेगा क्या? वासुदेव का वारिस है तो बलराम हो सकता है या फिर कृष्णा हो सकता है। हाँ, पर तुझ जैसा जानवर तो कभी नहीं हो सकता। यहाँ इतने बड़े लोग हैं ना, तो जरा धर्म बताइए। क्यों पुजारी जी, जवाब क्यों नहीं दे रहे आप? आप जो कह रहे हैं वो सच हो सकता है, पर बलराम जी बलराम जी अगर धर्मकर्ता की पदवी पर रहे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, पर अगर उन्होंने वो पद छोड़ दिया तो बलरंग रंगाराव जी के दूसरे बेटे के तौर पर वो पद मुझे मिलेगा। वो रिवाज है, परंपरा है और धर्म है। पूजा, शिवाजी तुम यहाँ आओ। पूजा, इन बड़ों के झगड़े से हम कहीं दूर चले जाते हैं। पूजा, शिवाजी पापा को पता चल गया तो? पता चला तो क्या करेंगे? मार डालेंगे, इतना ही ना? मार डालने दो ना। तुम जिससे प्यार करते हो उसको छोड़कर दूसरे से शादी करवा रहे हैं, ये देखने की बजाय तुम्हारे पिताजी के हाथों में मरना पसंद करूंगा। ए, तेरी इतनी हिम्मत? शिवाजी! इतनी हिम्मत की मेरे घर में आ गया? तेरी तो मेरे घर में रहने की औकात नहीं है। तेरी निकल यहाँ से। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं सह नहीं पाऊंगी, इसके बिना मैं नहीं जी पाऊंगी पिताजी। पूजा, ये क्या कह रही है तू? चल अंदर चल। रुको, जब मेरी परवाह किए बिना ये उसके साथ खड़ी हो गई, तभी से मेरी बेटी मेरे लिए मर गई। अब उसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं। सुनिए, अगर मेरी बात की तुम इज्जत करना चाहती हो तो दरवाजा बंद करो। बंद करो। जो काम अच्छा है तो उसके लिए मुहूर्त निकालने की जरूरत नहीं है। कल ही तुम्हारी शादी के बारे में गांव को पता चल जाएगा, धूमधाम से तुम्हारी शादी होगी। पिताजी, हम बर्बाद हो गए पिताजी। वो बलराम ने अपनी बेटी को घर से निकाल दिया, वो उसके लिए मर गए ऐसा बोलकर दरवाजा बंद करके बैठ गए, और कृष्णा मूर्ति गांव के बीच में दोनों की शादी करवाने की तैयारी कर रहे हैं। उसकी शादी हो रही है, अब मेरा क्या होगा पिताजी? चुपरे भैंसे, असल में मंदिर में जो हुआ उसके लिए मैं रो रहा हूँ, और तूने नया बॉम्ब डाल दिया। तू जो कह रहा है वो सच है क्या? अरे मैंने दोनों आँखों से देखा है पिताजी। नागराज जी, अब कोई फायदा नहीं, तलवार उठाने का टाइम आ गया है। अब देखेंगे कि वो ये शादी कैसे करवाते हैं, सुई में धागा। मेरे पास दूसरा काम भी है, तू जा। मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, ऐसे वक्त में दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए। इस शादी की तैयारी में कौन कौन शामिल है? कृष्णमूर्ति और वो ललिता और शिवाजी। ये लो, ये पकड़ो, बांधो ना। ए,
कैसे बांध रहे हो? तेरी तो चल नीचे उतर, मैं बांधती हूं। ए, ये क्या पहन रखा? घर जाके अच्छी से साड़ी पहन के आओ। मैं सज-धज के बैठूंगी तो सारे काम कौन करेगा? अरे काम करने के लिए मैं और शिवाजी है ना, तुम घर जाके साड़ी पहन के आओ। ठीक है। और सुनो, वो फूल वाला नहीं आया तो आते समय फूल भी लेके आना। क्या कहा? वो सती अब तक फूल नहीं लेकर आया क्या? उसे तो आज मैं ठीक करके रहूंगी। ए सती, तू गया अब तू। ए जीभ घुमा के रखो। एक भाई। ए, अंदर किसी को भी आने मत देना। वो भले कोई भी क्यों ना हो, काट डालना उसको। कौन है आप? मुझे नागराज कहते हैं। मेरे भैया घर पर नहीं है। अरे तो तेरा भैया किसको चाहिए? तेरे बड़े भैया की बेटी पूजा को बाहर बुला। किस लिए? हाँ, पूजा करने के लिए। समझते क्या हो खुद को? पूजा की शादी जिसके साथ होनी चाहिए उससे हो रही है, दूसरों के बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। जाओ यहाँ से। ऐसे कैसे चला जाऊं? पूजा भाग जा। अरे कैसे आदमी हो तुम लोग? अरे इस गांव की कोई संस्कार और परंपरा नहीं है क्या? वहां पर बलराम जी ने अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करने के लिए शगुन दिया, और अब ये सब क्या है? उस लड़की की शादी किसी और से करने की तैयारी कर रहे हैं वो। ऐसे गलत काम करने वालों को चार थप्पड़ मारने के बजाय उन्हें आशीर्वाद देने के लिए आप आए हैं? अरे लानत है आप जैसे लोगों पे, सुई में धागा। चिंतामणि, जुबान संभाल के बात करो। तुम अगर काम संभाल कर करोगे तो हम बात भी संभाल कर करेंगे। उस लड़की की शादी करवाने वाले तुम कौन होते हो? और ये बात पूछने वाले तुम कौन होते हो? मैं इसका पिता हूँ। अपनी बेटी की शादी इससे करने के लिए बलराम जी ने शगुन दिया था। शगुन उन्होंने दिया था, पर मैंने तो नहीं दिया ना। जाके इस बारे में उनसे ही पूछ लो। किसी से पूछने की जरूरत मुझे नहीं है, मैं भी देखता हूँ पूजा की शादी मेरे बेटे से कैसे नहीं होती। चलो ये भी देख लेना, अब जब यहाँ पर आई गए हो तो शादी भी देख लो, अपने हस्ताक्षर भी डाल देना। डालूंगा, डालने के लिए ही तो आया हूँ। ए आओ रे, मंडप को उखाड़ कर फेंक दो, जल्दी आओ। कहीं भी छिप जाओ, बच नहीं पाओगी। एक के साथ रिश्ता करके बगल वाले लड़के के साथ संबंध रखने के लिए भेजा तेरे बाप ने? तुझे लेके जाऊंगा तो बीच में आएगा, ऐसा लग रहा है तुझे। तुझे मार काट भी दूंगा तो वो कुछ नहीं करेगा। उसके लिए जात जरूरी है, और वो बेटी से भी ज्यादा है। अब आईना नागराज के हाथ में, तू कहीं भी छुप जा, मुझसे बच नहीं पाएगी। भैया, क्यों चिल्ला रही है? चलना मेरे साथ, हाँ? चल। सुनिए, सुनिए, चिंतामणि के लोग हमारी बेटी को खींच कर ले जा रहे हैं, उसे बचाइए ना। मेरी बेटी मेरे लिए मर गई। ऐसे समय में भी आप जिद कर रहे हैं? पराए आदमी हमारी बेटी को खींच कर जबरदस्ती ले जा रहा है, उसे रोकिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। जब उसे मैं अपनी बेटी मानता ही नहीं हूँ, तब मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। चल, ए चल। छोड़ो मुझे। कोई भी इस रेखा के आगे आया तो उसे काट के रख दूंगा।
संभल के हाथ काट सकता है। इज्जत से पूजा को छोड़ दे, पर जैसे साथ से उसे पकड़ा है वही काट दूंगी। तू क्या काटेगी रे, मेरा हाथ को करना है क्या? चलिए ना मालिक। ओ बंद कर। कौन है बे मेरी बहन? दूसरी जाति की लड़की मेरी बहन होगी क्या? जा यहाँ से। भैया जी, तुम जाकर डॉक्टर को बुलाओ, मैं आती हूँ। ठीक है। पशुपति, तू पागल हो गई है क्या? मना कर दो उसे। माफ कीजिए, इतने सालों में आज तक मैंने कभी भी आपकी बात नहीं डाली है। आज भी मैंने वही किया तो इतने दिनों तक मैंने जो आपकी इज्जत की, उस इज्जत का अब कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इतने सालों तक मैंने अपने अंदर जिस सच्चाई को छुपा कर रखा था, अगर वो सच्चाई मैंने आपको इस वक्त नहीं बताई तो बहुत बुरा होगा। आपने पहले मुझसे क्या कहा था? नीची जात में पैदा होने वाली तुम्हारी बहन नहीं। डॉक्टर उन्हें कह रहे थे कि आपकी जान को खतरा हो सकता है, फिर भी उनकी बात टाल के आपको खून दे के अपनी जिंदगी खतरे में डालकर आपकी जान बचाई थी। वो तुलस अम्मा थी, मेरी छोटी सास। क्या वो नीची जात की थी? अंतर्वेद से हमारी बेटी को बचा के पंचायत में अगर आपका नाम आए तो आपकी इज्जत ना चली जाए, इस डर से उस कृष्णमूर्ति ने अपने शरीर पर न जाने कितने चाबुक खाए। वो मेरा देवर, वो नीची जाति का है या ऊंची जाति का है, उनकी शादी आप ही की वजह से टूटी है। फिर भी आपसे नफरत करने की बजाय आज आपकी बेटी को बचाने की कोशिश में उनकी जान दांव पर लगी है। ऐसी परिस्थिति में भी आपको एक बार देखना चाहती है वो सीता, मेरी ननंद। क्या वो नीची जाति की है और अपमान जाति के है? इंसान में इंसानियत होनी जरूरी है, जातिवाद नहीं। जो जातिवाद नहीं देखता वो महान इंसान होता है, वही सच्चा इंसान होता है, वही एक भला इंसान कहलाता है। अगर आप सोचते हैं कि वो नीची जाति के हैं तो मुझे बड़ी जाति की कोई जरूरत नहीं है। आप जिन्हें नीची जाति के समझते हैं उन महान मनुष्यों के बीच में आज मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ। आपने सोच लिया कि आपकी बेटी मर गई, उसी तरह ये भी सोच लीजिएगा कि मैं भी मर गई। सीता, 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 भाभी, सीता, सीता, भाभी, भैया नहीं आए। शुरेया, इतनी देर क्यों? जल्दी आ रहा हूँ ना। अरे शुभ माता, तुम भी जल्दी करो ना। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, चाची, चाची, पूजा, ए रुक, बचा, रुक, ए चाची, पूजा।
बहना, भेद भाव करके तुम सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी, मुझे माफ कर दो। नहीं भैया, ऐसा मत कहिए। मरने से पहले मुझे मेरे भैया मिल गए, उन्होंने मुझे बहन पुकारा, यही काफी है। बहन सीता, अब मैं आराम से मर सकती हूँ भैया। नहीं ऐसा मत कहो, अपनी जान दे के भी मैं तुम्हें बचाऊंगा। सुनो, पूजा को वो कॉन्ट्रैक्टर जीप में बिठा कर ले गया है। सर्व मंगल मांगल्य श्री सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मंगलम ब्रह्मा विष्णु मंगलम गरुणाधिपः मंगलम पुण्य मंगलाय तनोहरि। पूजा, तुम जाओ यहाँ से। ऐसे जाने को मारने के लिए इतनी हिम्मत है तुझमें? पिताजी वो आ गए। मुझे माफ कर दो माली।
गंदे नाले का कीड़ा। भैया, भाई, बहन कैसी है? आप खतरे से बाहर है, अच्छी है। शनेश्वर तो जाना ही पड़ेगा। क्यों? मुझे इस तरह अकेली छोड़कर तुम सब लोग कहाँ जा रहे हो? आओ आओ, तुम ठीक समय पर आई हो। हम बाहर भोजन के लिए जा रहे हैं, तुम भी पीछे बैठ जाओ। पीछे नहीं जी, मुझे बहुत घुटन होगी, मैं आगे बैठूंगी। जगह दो ना।